Hi guys, वेलकम बैक टू Anisha Blends एंड इन today's video वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना समर स्किन केयर रूटीन क्योंकि समर्स बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं इस बार एंड स्किन में बहुत सारी इश्यूज़ आ जाती हैं किसी को रैशेज किसी किसी को हीट बंस किसी को रेडनेस काफ़ी कुछ हो जाता है सो so हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि कौन सा प्रोडक्ट लगाना है कौन सा प्रोडक्ट नहीं लगाना है सो so, मैं कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप में बिलोंग करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय रूटीन अकॉर्डिंग टू दैट सो अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है बिकॉज दे कीप आस्किंग शुड वी यूज मॉइस्चराइजर इन समर्स Yes, you should be using a moisturizer in summers, winters and in all seasons. Especially summer में आपको क्यों यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट होती है जब हम बाहर निकलते हैं सो so, जो हार्मफुल यू वी रेज होते हैं वो हमारे स्किन के जो मॉइस्चर को है वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारा स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो उसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है यूज़ करना टू रिटेन टू लॉक द मॉइस्चर इन योर स्किन एंड सेकेंडली समर्स के टाइम हम बहुत ज़्यादा जो है अपना टाइम ए में स्पेंड करते हैं चाहे घर में हो या ऑफिस में हो हर जगह द इज ए एंड ए सी में होने का मतलब चारों दिशा से सब कुछ बंद होता है एंड देर इज नो ह्यूमिडी इन दर सो नो ह्यूमिडिटी मीनस लैक ऑफ मॉइस्चर एंड लैक ऑफ मॉइस्चर अगेन ड्राइज अप आर स्किन एंड क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है हमारी एजिंग साइंस और क्लियरली अपियर होने लगते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ मॉइस्चराइज अग एस ओके सो स्टेप वन इज क्लेंजिंग एंड उसके लिए मैं यूज करूंगी एक्लॉजिका का क्लियर प्लस स्मूदी फेस वॉश विद ग्रीन टी एंड सैल्सिलिकसिड सो ग्रीन टी और साल्सिलिक सिड जो है वो ऐसे इन्ग्रीडियंट्स हैं जो पिंपल्स और एक्सेस मॉइस्चर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं एंड दिस इज़ अ स्मूदी फेस वॉश तो बहुत ज़्यादा फोम नहीं करता एंड यू कैन सी इट डज लुक लाइक अ स्मूदी सो बहुत ज़्यादा फोम नहीं करता है दैट डज नॉट मीन की क्लेंस नहीं करेगा सो या दैट्स मी आफ्टर रिंसिंग माई फेस एंड इसको मैं ड्राई कर रही हूँ एंड इट फील्स रियली मॉइस्चराइजिंग एंड नॉट ड्राई तो स्टेप टू के लिए हम यूज करेंगे प्लम का टोनर विच इज द रोज वाटर टोनर विथ हाइलोरॉनिक एसिड दिस इज एब्सोल्युटली फ्रेग्रेंस फ्री परफेक्ट फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है देन प्लीज गो अहेड एंड बाय दिस दिस विल नॉट इरिटेट योर स्किन इट्स जस्ट अमेजिंग तो स्टेप थ्री के लिए मैं यूज करूँगी डॉटिन की स्किन केयर का वाटरमेलन सुपर ग्लो मैट मॉइस्चराइजर वाटरमेलन इज एन एक्सलेंट इंग्रेडिएंट फॉर समर टाइम एंड दिस इज अ मैट मॉइस्चराइजर लगाते टाइम आपको ऐसा फील होगा कि यू नो दिस इज़ लिटिल ग्रीजी बट लगाते साथ ही दिट बिकम्स एब्सोल्यूटली मैट सो परफेक्ट फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप पीपल दिस इज सो स्मूद एंड मेक्स माई स्किन लुक

favorite sunscreens after Aqualogica.

जगह पे मुझे रेडनेस रैशेज हुई है एंड इवन आइस के नीचे अगर आपकी फेस बहुत ज्यादा सूजी हुई है बहुत ज्यादा टायर्ड दिख रहे हो आप तो उसको भी ये हटाने में हेल्प करेगा दिस इज एक्सेलेंट ड्यूरिंग समर्स प्लीज स्टार्ट यूजिंग आइस यू हैवेंट इफ यू हैवेंट ऑलरेडी नेक्स्ट आपको चाहिए एलोवेरा जेल एंड उसके लिए मैं यूज करती हूँ कपीवा का प्योर एलोवेरा जेल विच इज एक्सट्रैक्टेड विद इन फोर आवर्स ऑफ हार्वेस्टिंग दिस इज एक्सिलेंट फॉर सूदिंग सनबर्न इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मॉइस्चराइजर ड्यूरिंग समर्स एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्किन नरिश